की पाठशाला। दोस्तों आज तो हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम एनी के साथ सीखने वाले हैं मौसमों के बारे में। क्या बता सकते हैं ये कौन सा मौसम है? ये है विंटर यानी सर्दियों का मौसम। इस मौसम में हमें जरूरत होती है दस्तानों की। इतनी बर्फ में हमें बर्फ के चश्मे भी चाहिए होंगे और साथ ही चाहिए होगा एक गर्म कोट और आखिर में चाहिए जूते। ये सब चीजें हमें ठंड से बचाती हैं। ये और पता है ना दोस्तों, इस मौसम में हम स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। ये आ जाओ दोस्तों। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। कौन सा मौसम है ये? ये है स्प्रिंग यानी बसंत। और इस मौसम में होती है चारों तरफ हरियाली और खिलते हैं सुंदर फूल। और हम सुंदर फूलों से बनाएंगे हेडबैंड। वाह कितना प्यारा है, देखो फूल खिल रहे हैं और चिड़िया गाना गा रही हैं। खरगोश खेलने के लिए बिल से बाहर आ गए और सूरज भी चमक रहा है। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। ये कौन सा मौसम है? ये है समर यानी गर्मियों का मौसम। इस मौसम में चाहिए होता है स्विम सूट, सरौंग, धूप का चश्मा और साथ में टोपी। चलो अभी ने जल्दी से पहन ले। मजा आ गया। इस मौसम में बहुत मजा आता है बीच पर बैठकर आराम करने में और तरबूज खाने में। लगता है हैलोवीन आने वाला है। इसका मतलब ये है ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। अरे ये तो विच की टोपी है और साथ में एक पोशाक भी है और एक केप भी है। चलो मैं इन्हें पहन लेती हूँ। मैं तैयार हो गई हैलोवीन के लिए। चलो ट्रीट्स लेने चलें। पर इस दरवाजे के पीछे क्या है? चलो देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये हमारे स्वागत के लिए आए हैं। आज हमने सीखा अलग अलग मौसमों के बारे में। विंटर यानी सर्दियों का मौसम, स्प्रिंग यानी बसंत, समर यानी गर्मियों का मौसम और ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। मुझे ये चारों मौसम बहुत पसंद हैं। मैंगो को पहुंचना है गोल्डन बनाना तक। पहले उसे गुजरना होगा जादुई पेड़ से, फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार और फिर गुजरना होगा रेनबो रॉक से। मैंगो को यहाँ इकट्ठे करने होंगे 3 फ्रूट्स। ये 1, 2, 3। ये अगला पड़ाव है शेप्स वाली दीवार। इन्हें भरना है सही शेप्स में। मैंगो को सही शेप ढूंढकर दीवार की खाली जगह को भरना है। सर्कल यानी गोलाकार, पर ये यहाँ नहीं आ पाएगा। स्क्वायर यानी चौकोर, ये भी यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो चलो मैंगो दिमाग लगाओ। हाँ ये तो लग गया। अगला पड़ाव है रेनबो रॉक। रेनबो में कलर भरने हैं। मैंगो को रेनबो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ऑर्डर में। रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी गहरा नीला, वायलेट यानी बैंगनी।
शाबाश मैंगो, तुमने कमाल कर दिया। चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो। ये थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमने सीखे नंबर्स 1, 2, 3 और शेप्स ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और सीखा रेनबो के कलर्स के बारे में। ये क्या? एक और? ये सब हो क्या रहा है? अरे नहीं, हमारे सारे दोस्त जाल में फंस गए। क्या आप इनको निकालने में हमारी मदद करेंगे? इसके लिए हमें ढूंढने होंगे वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पाइडर से। स्पाइडर शुरू होता है एस से। नहीं, ये तो राइटर हो गया। ये बिल्कुल सही पहचाना, स्पाइडर। स्पाइडर शुरू होता है एस से। एस पी आई डी ई आर, स्पाइडर। अब मॉन्स्टर को निकालते हैं। मॉन्स्टर शुरू होता है एम से। अरे नहीं, ये तो डांसर है। चलो फिर से कोशिश करें। मॉन्स्टर, आपने ढूंढ लिया। एम ओ एन एस टी ई आर, मॉन्स्टर। और अब हमें निकालना है वैम्पायर को। वैम्पायर शुरू होता है वी से। अरे ये तो अम्पायर है। ये बिल्कुल सही पहचाना, वैम्पायर। वी ए एम पी आई आर ई, वैम्पायर। और अब ढूंढेंगे विच। अरे नहीं, ये तो पिच है। ये सही पहचाना, विच। W I T C H, विच। आपने कर दिखाया, आपने सबको जाल से निकाल दिया। आज हमने सीखी बहुत सी स्पेलिंग्स। S P I D E R, स्पाइडर। M O N S T E R, मॉन्स्टर। V A M P I R E, vampire. W I T C H, witch. बहुत बढ़िया, आपने सब सीख लिया। हाय, मैं हूँ एमी। क्या मेरे दोस्तों को ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? अरे वो कौन है? मुझे उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं और ब्लैक कोट भी। ओह, ये तो ब्लैक है, एक वैम्पायर। हाय ब्लैक, वो कौन हो सकता है? एक बड़ी ग्रीन नोज और एक पर्पल कोट। ये तो फ्रैंक है, एक मॉन्स्टर। हाय फ्रैंक, वो कौन है? नुकीली ब्लैक नोज, ब्राउन है। ये तो बिल है, एक वेयरवुल्फ। हाय बिल, वो कौन हो सकता है? उसकी आंखें दिख रही हैं और एक हैट भी। ओह, ये तो कमिला है, एक ग्रिच। हाय कमिला, वो कौन है? इसकी तो बड़ी बड़ी ब्लू आईज है और पिंक चीक्स भी। ये तो थॉमस है, एक गोस्ट। हाय थॉमस, मेरे दोस्तों को ढूंढने में मदद के लिए शुक्रिया। आज हम मिले वैम्पायर से, मॉन्स्टर से, वेयरवुल्फ से, विच से और एक गोस्ट से। आपने कर दिखाया, थैंक यू। दी एंड। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।